दोस्तों देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसी के चलते देश में 19 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच में रमजान की शुरुआत होने वाली है। आप सभी जानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग रमजान को सबसे पाक महीना बताते हैं, मानते हैं, और इसी महीने में रोजे रखे जाते हैं। और अगर रोजे रखे जाते हैं तो उसमें आप सभी जानते हैं कि नमाज भी पढ़ी जाती हैं और साथ ही साथ इफ्तारी के टाइम बाहर दुकानें भी लगाई जाती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के चलते उन लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 11 समितियों यानी कि टीम की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं CAA NRC को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह के फैसले लिए और किस तरह से ऐलान किए उस पर भी सवाल खड़े हुए, किस तरह से कार्रवाई की गई। लेकिन रमजान को लेकर के भी एक बार फिर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि रमजान में कुछ ढील दी जानी चाहिए ताकि लोग रोज़ा रख सके और अच्छे से इबादत कर सके, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का और सभी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी हम लोगों के ऊपर यानी कि ज़रूरी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ढील दी जानी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने रमजान को मद्देनजर रखते हुए रमजान के दौरान भी लोगों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में कमी नहीं आने को लेकर के ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रमजान के दौरान कहीं भी किसी तरह की भी कोई भी खाने पीने की चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए और किसी भी सामग्री की उपलब्धता में कमी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में बुलाई बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी और जो है खाद्यान्न वितरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जहां जहां मुनाफाखोरी चल रही है वहां वहां पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जी की हम आलोचना करते हैं, लेकिन जो सही उनका काम होता है उसकी कहीं ना कहीं सराहना भी होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये फैसला लिया है काफ़ी अच्छा है। एक विशेष धर्म का ख्याल रखते हुए उन्होंने विशेष तरीके से बैठक बुला करके रमजान के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो लोग रमजान में रोजे रखते हैं, जो रमजान का महीना आ रहा है इसमें जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बहुल एरिए हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से काम करना भी चाहिए। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।